अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों के पास आईलाइनर अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह से खुद से बहुत ही अच्छा और पिगमेंटेड आईलाइनर बना सकते हो घर पे। सो इसके लिए आपको जो है ना आई शेड चाहिए होगा। अगर अलग से कलर है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी आई शेडो पैलेट को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर आई शेडो पैलेट के अंदर ब्लैक कलर जो है ना वो लाजमी होता है। इसको आपने थोड़ा सा स्क्रैच कर लेना है, जितना आपको चाहिए उतना आप इसको जो है ना स्क्रैच कर लोगे। अच्छे से स्क्रैच करने के बाद हम इसको किसी पेपर पर, अपने हाथ पर, किसी ट्रे में जो है वो निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर एक बॉटल का कैप यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आ सके। सारा पाउडर मैंने इसके ऊपर निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पर मसीलर वाटर चाहिए होगा। मसीलर वाटर जो है ना वो आपके कलर को, आपके पाउडर कलर को लिक्विड कलर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा लिक्विड है। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये मेकअप रिमूवर है, बट ये जो है ना ये बहुत बेनिफिशियल है। आप लिक्विड आई शेडोज भी बना सकते हो उसके साथ। जस्ट वन ड्रॉप मैंने इसका ऐड किया है अपने पाउडर में और फिर उसको हम बहुत अच्छे से मिक्स आउट करेंगे। और मिक्स आउट आपने जो है ना इसको ब्रश के साथ करना है। मैं जो है ना एक ब्रश की बैक साइड यूज़ कर रही हूँ और फिर मैं इसको जो है वो टेस्ट करूँगी अपने हाथ पे थोड़ा स्वाच करके, ताकि मुझे पता चले कि ये इतना डार्क काफ़ी है या इसको थोड़ा और डार्क करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा और जो है ना ब्लैक कलर ऐड करोगे स्क्रैच करके, और फिर से आप इसको जो है ना वो मिक्स आउट करोगे ब्रश के साथ। अच्छा, ये जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है और लाइक केक लाइनर्स होते हैं ना, जिस तरह उस तरह का टेक्सचर जो है ना आप इसके साथ इजीली बना सकते हो। और अभी यहाँ पर हमारा लाइनर जो है ना वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। बहुत अच्छा सा पिगमेंट जो है वो इसका आ चुका हुआ है। अब हम जो है वो इसके साथ ब्रश यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं फुकलेयर का ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा और बारीक ब्रिसल वाला ब्रश है ये, और बड़ा ही मज़े का इसके साथ जो है ना वो लाइनर लगता है। पहले मैं आपको इसके साथ एक लाइन लगा के दिखाती हूँ अपने हाथ के ऊपर। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर सीरम है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हूँ। शीजा ऑर्गेनिक्स का हेयर सीरम है ये, जो कि आपके बालों को फ्रिजी होने से बचाता है, फ्रिज एंड्स को भी खत्म करता है। इसके अलावा अगर आपको हेयर फॉल का या फिर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आप इसको ऑयल में मिक्स करके अपने स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर लोग पता है जब बाल वॉश करते हैं ना, तो बाल वॉश करने के बाद जब बाल ड्राई होते हैं तो फट जाते हैं, तो आप इसको जो है ना एज अ एंटी फ्रिज सीरम भी यूज कर सकते हो। जब जस्ट आपने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना वो इसके अपने हाथों में अच्छी तरह से रब करके अपने लेंथ एंड्स में जो है वो अप्लाई करना है। इसे आपके बालों के जो दो मुंह वाले बाल जिसको बोलते हैं ना वो भी आपके ठीक रहेंगे, और आपका जो बाल फ्रिजी हो जाता है ना ड्राई होने के बाद वो आपको नहीं होगा ऐसा कोई इशू। और इसका टेक्सचर बहुत जबरदस्त है, कोई चिपचिप वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऑयल यूज करते हो तो रेगुलर ऑयल के अंदर ही आपने इसको थोड़ा सा ऐड करके अपने स्कैल्प पे भी यूज करना है आपने, ताकि आपको ये डैंड्रफ का या फिर हेयर फॉल का या फिर गंजपन का इशू है ना तो वो भी इसके साथ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो जी आपको इस पेज को विजिट करना होगा, लेडीज शॉपी के को स्क्रीन पर ही आपको व्हाट्सअप नंबर और वेबसाइट नजर आ रही होगी। चले जी वापस चलते हैं जी अपने DIY लाइनर की तरफ। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को स्वाच करके दिखा रही थी कि बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर इसका जो है वो बन जाएगा। आप हर टाइप का लाइनर लगा सकते हो, और अगर आप इसको वाटरप्रूफ बनाना चाहते हो तो आप इसके अंदर सीलर ऐड कर सकते हो मैसीलर वाटर की जगह, उसे भी बड़ा मज़े का टेक्सचर जो है ना वो लाइनर का बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना फोकलोर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सो अगर आप इस ब्रश को ऑर्डर करना चाहते हो ना, ये बहुत बहुत अच्छा ब्रश है, आप इसको काफ़ी अर्सा चला सकते हो। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ एंड स्टिल आप देख सकते हो कि इसके ब्रशेज जो है ना वो अभी तक ख़राब नहीं हुए। बस ये है कि आपने एहतियात करनी होती है, तो आप इसको जो है ना लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से मैं इसके साथ जो है वो विंग लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं इसको घसीट घसीट के लगा रही हूँ, या फिर ये लग नहीं पा रहा, या फिर पिगमेंटेड नहीं है, या फिर स्किन कवर नहीं कर रहा। हर तरह से जो है ना परफेक्ट लाइनर जो है वो हमारा तैयार हुआ है, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं ना घरों में रहने वाले घरेलू लड़कियाँ, उनके पास लाइनर्स या फिर इतनी सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, तो वो इस तरह से DIY प्रोडक्ट्स या DIY हैक्स है वो ट्राई कर सकती हैं अपने मेकअप को 4 चांद लगाने के लिए। और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको लाजमी जाना चाहिए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। और जी यहाँ पर फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों ने इसी हैक को ट्राई करके ना डिफरेंट कलर्स जो है वो लगाने हैं। लाइक अगर आप कलरफुल लाइनर्स लगाना चाहते हो तो आप ब्लैक की जगह डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहोगे कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है। मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगी सेम एज इट इज़। आप ग्लिटर को भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, जैसा कि अक्सर होता है ना कि डबल लाइनर के लिए लाइनर के ऊपर ग्लिटर की लाइन लगाई जाती है, तो उस सिचुएशन में भी आप जो है ना सेम हैक को यूज़ करके बस ब्लैक कलर की जगह ग्लिटर ऐड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह के मज़े मज़े के हैक्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।